धार जिले के धाम नोद में एक 8 वर्षीय मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक निजी कॉलेज के प्रोफेसर ने मासूम के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म जैसे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि एक निजी कॉलेज के प्रोफेसर आरोपी विकास जायसवाल मासूम छात्रा के साथ कई दिनों तक छेड़छाड़ व दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे रहा था। परिजनों को खेल खेल में मासूम छात्रा के साथ हुए घटना की जानकारी का पता चला। परिजनों ने थाना पहुंचकर आरोपी प्रोफेसर विकास जायसवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बाल एवं संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज अभी शाम को धामनोद नगर के धन सिंह कॉलोनी से एक छोटी बच्ची 8 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। इसमें बच्ची के पेरेंट्स ने थाने पे आके बताया था कि पड़ोस में रहने वाले विकास पिता प्रभुदयाल जायसवाल 41 वर्ष उम्र का व्यक्ति है, जिसने उनके बच्ची ने आज खेलने के दौरान अपनी किसी माता को बताया कि लगभग 1 माह पूर्व उसके साथ उसने छेड़छाड़ और दुष्कर्म की बात बताई, जिस पर से माता पिता आए। महिला अधिकारी हमारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बच्ची से बात करके उसको प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करके आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है। सर, भी वर्तमान में जो अब कहीं ना कहीं जो विकास है वो क्या कर रहा है, कहाँ अभी तक की जो जानकारी उससे पता चला है, वो यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है। कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज? एम्स धामनोद में स्थित एम्स इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है और माचलपुर मंडलेश्वर का रहने वाला है। धामनोद में यहाँ किराए से अपने परिवार के साथ रहे। सर, किनके यहाँ किराए से रह रहा है ये अभी जांच के बाद पता चलेगा। अभी जस्ट शिकायत आई है, ये सब चीज़ें अभी जाँच में। ठीक।